एबीपी भारत न्यूज में आपका स्वागत है। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर मोहली के पास तेज रफ्तार बेगनार कार आगे जा रही पल्सर की गाड़ी में घुस गई, जिसमें पति पत्नी व बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना पर जनपद के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि मैनपुरी जिला के करहड रोड निवासी संतोष गुप्ता पुत्र रामस्वरूप की कुछ दिन पहले तबीयत खराब हो गई थी। संतोष को कानपुर दिखाने के लिए उनकी पत्नी किरण, पुत्री आरती रेणु और आकाश बेगनार कार से जा रहे थे। जैसे ही कार औरैया के मोहली के पास पहुंची, तभी कार अनियंत्रित होकर आगे जा रही पल्सर गाड़ी से पीछे से टकरा गई। हादसे में आरती, संतोष व किरण की मौके पर मौत हो गई, जबकि आकाश रेणु गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची एसपी चारू निगम के घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। कितने लोग? अभी तुरंत 8 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई है कि ये मोहली जो हमारा हाईवे पर पड़ता है, कोतवाली क्षेत्र में पड़ता है, इसमें एक डाक पार्सल की एक गाड़ी है, उससे एक वैगनार पीछे से आ रही थी और वो शायद ओवरटेक करना चाह रही थी राइट से, और वो ब्रेक लगा या वो स्पीड में थी, वो दोनों का एक्सीडेंट हो गया। नॉन ड्राइवर सीट्स पे जो ज़्यादा लोग थे उनकी डेथ हो गई है। टोटल गाड़ी में 6 लोग थे। ये संतोष गुप्ता का परिवार है, करहल रोड अग्रवाल वाला मैनपुरी के रहने वाले थे ये लोग। परिवार में 6 लोग थे, बताया जा रहा है पहले कि एक हॉस्पिटल जा रहे थे, इनका कुछ हार्ट का इलाज चल रहा है उसको दिखाने के लिए। तुरंत मौके पर 112 की फोर्स आई, बाकी सारी फोर्स आई भी आ गई थी। CO एडिशनल सभी आ गए हैं। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है। घायल जो 3 लोग घायल थे उनको तुरंत भेजा गया है हॉस्पिटल, और बाकी लोग क्योंकि फंस गए थे उनको निकलवा के उनको भी